काजल बहुत बहुत स्वागत है आपका, पहली बार आई हैं आप। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं कभी, मतलब क्योंकि टीवी शोज में, इंटरव्यूज में बहुत कम दिखाई देती हैं। आप वैसे कहाँ से बिलोंग करती हैं काजल? मैं बंबई की हूँ, लेकिन मेरे रूट्स अमृतसर से हैं, जो आपके साथ कॉमन है। व्हाट? यस। कभी मिली नहीं अमृतसर में, मतलब आप कहाँ पे होते हो? आप तो यहाँ पे हो ना। अरे मैं उधर सड़क पे मिलता था मैं तो। आपको पता है, दो लफ्जों की कहानी में रणदीप पहली बार, पर ये पहली फिल्म है ना आपकी रोमांटिक? हाँ, इस तरह की रोमांटिक जो था पिक्चरें, तो मेरे को लगता है मेरे तो सारे कैरेक्टर रोमांटिक है, पर लोगों को नहीं लगता ये। पर ये बोनाफाइड पहली एक रोमांटिक फिल्म है, प्रॉपर रोमांटिक, जिसमें लड़का लड़की के बारे में ही कहानी है, बैन मैन नहीं है इन्वॉल्व। तो कैसा आप तो कैसा लग रहा है आपको पहली बार इमरान हाशमी वाली फीलिंग लेकर? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, इमरान भी बहुत अच्छा है इसमें। इमरान हाशमी फीलिंग इसलिए आती है इस पिक्चर में क्योंकि गाने बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है, सब अच्छे लोग जब जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ बनती है। अच्छा, मैंने देखा कि एक दो मैंने एक फिल्में देखी, शायद तेलुगु फिल्म थी, वहाँ पे जब रोमांस होता है तो मतलब जैसे ही लड़का लड़की की आँखें मिली तो हीरो ने अपनी फटाफट लुंगी गर्च करके ऐसे करी और लड़की ने ऐसे बाल झटके, तो पाजी 2 सेकंड में 200-250 लोग आते हैं, फिर वो 500 की स्पीड पर नाचते हैं। तो मतलब रोमांस अलग होता है, हर किसी का अपने तरीके का रोमांस होता है। आपको ज़्यादा मतलब रोमांस करना बॉलीवुड में अच्छा लगा कि साउथ फिल्मों में? एक्चुअली ये पहली बार है जो मैं बॉलीवुड में रोमांस कर रही हूँ, तो मुझे आदत साउथ की है। Okay. और बाल झटकने की है। सिंगम में नहीं था क्या? ज्यादा नहीं। अच्छा, वो रोमांटिक फिल्म नहीं, पुलिस की सॉरी थी वो, ज्यादा तरीके ड्यूटी पे रहे ना ज्यादा। अजय देवगन, हाँ मैंने ट्रेलर में देखा पाजी, आप 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हो। हाँ, फिल्म में तो कर ही रहे हैं, रियल लाइफ में भी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले सरबजीत के लिए आए थे, आज इसके लिए, उसके बाद सुल्तान भी आ रही है, उसमें आप बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं पाजी, मतलब कमाल है, ये तो अच्छी बात है। चलिए काजल अग्रवाल, काजल तो नाम बड़ा खूबसूरत है, अग्रवाल बड़ा खूबसूरत है, पर अग्रवाल सरनेम की कोई आज तक हीरोइन हुई नहीं इंडस्ट्री में, काजल पहली है। नहीं तो मेरी क्लास में 2 लड़कियां थी, दोनों के पापा की स्वीट शॉप थी। चेन्नई में है, तो चेन्नई में एक स्वीट शॉप है कॉल अग्रवाल स्वीट्स, तो सबको लगता है कि वो मेरे पापा की दुकान है, लेकिन नहीं है। तो वैसे आपके पापा क्या करते हैं? मतलब टेक्सटाइल्स। वो भी मिठाई वाले लगते हैं, कितनी स्वीट स्वीट लड़की है। सही बात, इमरती जैसी बेटी है उनकी ना। अरे आपने कभी नहीं बताया, इतनी बार मुलाकात हुई मैंने कभी नहीं पूछा, भाजी आप कैसे आए थे मतलब फिल्मों में? मैं, हाँ, आपकी फैमिली में तो कोई एक्टर नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली में डॉक्टर हैं मोस्टली लोग, मेरे पिताजी भी यहाँ पे हैं। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? मुबारक हो, आपका बेटा लायक निकला। बहुत नाम कमा रहे हैं। कैसे सर आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप डॉक्टर हैं? मैं सर्जन हूँ। अच्छा, तो आपने कभी मतलब रोका नहीं रणदीप को कि तू फिल्म लाइन में जा रहा है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, किस्मत है, पता नहीं, ऐसा कभी रोका नहीं आपने? नहीं, बहुत रोका। अच्छा, और बोला भी कि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज इसकी वजह से मैं आपके शो में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाउ स्वीट, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनके बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं उनके बच्चे कभी कभी कॉमेडियन बन जाते हैं, बट इन्होंने मुझे बोला था, मैं बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो पहले तो मैंने इनको ऑस्ट्रेलिया से फोन किया था कि जी यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिपार्टमेंट है मेरे कॉलेज में, क्योंकि मैं पहले साल में फेल हो गया था, तो मेरे को लगा यार कि अब घर वालों को बताऊंगा फेल हो गया, ये हो गया, इससे अच्छा कि कोर्स ही चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो मैंने इनको फोन किया कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होता है? हाँ, नई नई चीज़ें आती। तो मैं बोला वही एक्टिंग वगैरह वगैरह, तो थोड़ी देर फोन पर चुप्पी रही, फिर बोले भाई भांड बनना है तो घर ही आ जाए, एटलीस्ट हमारे साथ तो रहेगा। फिर मैं जब डिग्री खत्म करके आया तो मैंने बोला कि अभी देखो मुझे जॉब भी मिल गई है, पर अब मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला हम तो किसी को जानते नहीं वहाँ पे, तेरा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बोला नहीं नहीं, मेरे को करनी ही करनी है। तो बोला चल भाई तूने जो करना है कर, बुढ़ापे में हमारे ऊपर आके बोझ मत बनना। चलिए आज तो अंकल आप खुश है ना? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश हैं आप। चलिए, बहुत भगवान आपको हमेशा खुशी रखे, और बहुत बहुत गर्व होना चाहिए आपको अपने बेटे पे, और आपको भी होना चाहिए भाई। इजीली कह तो दिया ना उन्होंने, फिर भी ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहे थे, इंटरनेशनल कॉल पे आदमी इतना लंबा पॉज लेके डिसीजन ले रहे हैं, इतने पैसे पड़ जाते भाई। थैंक यू अंकल। काजल, मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना है। पूछिए। आपने राजा मौली साहब के साथ एक फिल्म करी थी, साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बाहुबली भी बनाई, बहुत कामयाब फिल्म रही, और
काजल ने उनके साथ एक फिल्म में काम किया मगधीरा, जो कि बहुत बड़ी हिट रही। अच्छा आप तो फिर उनको जानती हैं, तो ऐसे आप मतलब उनसे पूछ के हमें बता सकते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नहीं बताएंगे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.